अटखेलियां करती डल झील की लहरें और उन पर तैरते खूबसूरत हाउसबोट और शिकारे किसी का भी मन आसानी से रिझा सकते हैं। श्रीनगर आने वाले किसी भी सैलानी के लिए डल की सैर मनचाही मुराद पूरी होने से कम नहीं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि डल झील कश्मीर का वह अनमोल नगीना है जिसके बिना घाटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन पिछले कुछ सालों में डल की सुंदरता पर एक ग्रहण सा लग गया है। कभी 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली डल अब सिकुड़कर केवल 11 वर्ग किलोमीटर तक रह गई है। इसके कई किनारों में अब जलकुंभी और गाद भर गई है और साफ पानी देखने के लिए झील के बीच तक का सफर तय करना पड़ता है। अब जब डल की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है, इसके चाहने वालों के लिए ये झील अपने सबसे बुरे दिनों में भी काफी मनमोहक है। अभी लगभग 10 साल से पीछे इसकी हालत बहुत बदतर थी, घास भी चौचर गई थी और कुछ हाउसबोट वाले भी ऐसे कर रहे थे, तो बहुत बेहतरीन हुई। इस साल लगभग 2-3 साल से बेहतरीन हुई सफाई इसमें। इसमें गवर्नमेंट ने पैसे दिए, इनको लेबर लगाए और बहुत अच्छी काम हुई और से आई धीरे धीरे ये डल फिर भी साफ होने लगा है, वैसे ही जैसे पहले था। डल लेक एक बहुत ही सुंदर और अच्छी झील है जिसमें कि बोट में घर बने हुए हैं और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ डल लेक देख घूम के। और श्रीनगर में बहुत सी जगह हैं लेकिन डल लेक हमको सबसे ज़्यादा पसंद आया। दरअसल डल की इस बुरी हालत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उसमें रहने वाले ही हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों की आमदनी का एकमात्र जरिया है डल और इसमें तैरने वाले 1400 हाउसबोट लगभग 10,000 लोगों को छत मुहैया कराते हैं। हालांकि ये हाउसबोट कश्मीर आने वाले सैलानियों की पहली पसंद हैं, लेकिन डल में फैलती गंदगी धीरे धीरे सैलानियों को इससे दूर करती रही। डल के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले हाउसबोट और शिकारे के मालिकों पर इस सफाई अभियान का असर दिखाई पड़ने लगा है। 2-4 साल से अब गवर्नमेंट जो वो सफाई कर रही है, इससे बहुत फर्क हो गई और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इससे लोग टूरिस्ट जो है वो भी खुश हो जाएंगे कि लेक साफ हो रही है, कि इससे बहुत टूरिस्ट और भी आने वाले हैं। जहाँ तक डल झील का सवाल है तो मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। कुछ साल पहले यहाँ गंदगी और काई वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, देखने में बहुत अच्छा लगा कि अब बहुत सफाई है, बहुत अच्छी तरह है और इसको लगता है कि एक मेंटेन करके रखा हुआ है। श्रीनगर की आत्मा कहे जाने वाली डल के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ तैरते हाउस बोटों की गंदगी का निकास इसी में होता है। यहाँ तैरते लगभग सभी हाउस बोटों का तनों कचरा रोजाना डल में जमा होता है, जिसका नतीजा होता है इसकी तलहटी में गाद का जमना। इसको लेकर पर्यावरणविद अक्सर चिंता जाहिर करते रहते हैं और इसका असर अब डल के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। एक आंकड़े के मुताबिक डल में गिरने वाली गंदगी से प्रति वर्ष 15 टन फास्फोरस और 300 टन नाइट्रोजन इकट्ठा होता है, जो इसके भीतर के जलीय जीवन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार की भारत निर्माण योजना के तहत डल को उसकी पुरानी सुंदरता वापस दिलाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि या तो इसमें रहने वालों को कहीं और बसाया जाए या फिर उन्हें डल की सुंदरता के लिए जागरूक किया जाए। जो रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो स्टेट सेक्टर में पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर नहीं करती, तो उसको कमेंसरेट करना है इस प्रोग्राम के साथ। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों की मदद से, और एक चाहता है कि बेहतरी हो इस लेक के लिए। डल की सफाई के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। दिनों दिन बढ़ती जलीय घास और जल कुंभी से डल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इससे यहाँ रहने वाली मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। इसकी सफाई के काम पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कई देशी विदेशी मशीनों को डल से घास निकालने के लिए लगाया गया है। डल के पानी की सफाई के लिए इसके चारों ओर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जानकारों का मानना है कि इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से डल में इकट्ठा होने वाली गंदगी और गंदे पानी से निजात मिल सकेगी। जितनी भी सीवेज हमारा इस लेक में आ रहा था,
उसमें हमने 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, और कई जगह पे बनाए जाएंगे। और जितने भी एरियाज डायरेक्टली ड्रेन होते थे, जिनका सीवेज डायरेक्टली लेक में आता था, उन उस सीवेज को इंटरसेप्ट करके इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाएगा, और उसके बाद जो पानी साफ़ होगा वो वापस लेक में जाएगा, और जितनी भी उसमें गलाजत और पोल्यूशन है वो निकाल दी जाएगी। पहाड़ी बालू और मिट्टी से डल को बचाने के लिए इसके चारों ओर एक खास तरह की नहरों का जाल बिछाने की योजना है। माना जा रहा है कि इसके पूरा होने के बाद मिट्टी और रेत तो पहाड़ की तलहटी में जमा होंगे और पानी डल के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। डल के सफाई अभियान की ये कोशिशें प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच अच्छे तालमेल का जीता जागता सबूत हैं। इस वक्त इसमें ऑर्नामेंटल लुक भी हुई है, बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है इस वक्त। अभी ये मशीन भी इसीलिए काम कर रही है, जो कुछ भी इसमें ये ग्रास वीड जमा हुई है वो इसको ये मशीन उसको ट्रिम ऑफ करती है। तो फिर देर किस बात की, डल तैयार है आपके स्वागत के लिए, और आने वाली छुट्टियों में आप भी शामिल हो जाइए सैलानियों की उस जमात में जिनके लिए कश्मीर अब भी धरती का स्वर्ग है।